हेलो एवरीवन, आज हम केपी एंड केसी में रिलेशन बताने जा रहे हैं कि हमारा केपी एंड केसी में क्या रिलेशन होता है। तो इसके लिए आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी जो कि इक्विलिब्रियम को अटेन किए हुए है। तो चलिए एक इक्वेशन लिखते हैं और उस इक्वेशन के थ्रू हम केपी एंड केसी में रिलेशन देखेंगे। तो हमारी जो केमिकल इक्वेशन है, ए और बी हमारे दो रिएक्टेंट हैं, इनसे मिलके सी एंड डी जो है वो प्रोडक्ट बना हुआ है। ये इक्वेशन जो है इक्विलिब्रियम में है, तो भैया इक्विलिब्रियम में रिएक्शन को कर दो, ये रिवर्सिबल इक्वेशन हो गई। और इसके बैलेंसिंग कोफिशिएंट, सपोज इसके लिए ए है, इसका बैलेंसिंग कोफिशिएंट बी है, इसका बैलेंसिंग कोफिशिएंट सी है और इसका बैलेंसिंग कोफिशिएंट डी है। अब चूंकि ये रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो दोनों साइड जो है वो अप्लाई होगा, और दोनों साइड अप्लाई करने के बाद हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डिटरमाइन करते हैं। अगर रिएक्टिंग स्पीशीज जो है इसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो केसी होगा। और ये किसके इक्वल होता है? ये रेशियो होता है किसका? इट इज द रेशियो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ दिस देयर बैलेंसिंग कोफिशिएंट या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ दिस देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो केसी जो है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम सी लिखेंगे, टू पावर सी हो जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन डी लिखेंगे, टू पावर डी हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया, और रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए है पावर ए, और सेकेंड रिएक्टेंट बी है उसका पावर बी है। तो ये जो रेशियो है ये हमारा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो है वो कहलाता है। केसी की वैल्यू जो है वो केवल और केवल टेम्परेचर पे चेंज हो सकती है। आप इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दो, प्रेशर को चेंज कर दो, वॉल्यूम को चेंज कर दो, तो हमारा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। हमारा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कब चेंज होगा? जब टेम्परेचर हम चेंज करेंगे। अगर आप टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हो तो केसी की वैल्यू जो है वो हमेशा एक कॉन्स्टेंट आती है। वो कैसे आती है? तो देखो जरा, ये तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो हम एक सिंपल रिएक्शन के थ्रू आपको समझाते हैं। ये हमारा N2O4 है, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो जाती है। लो टेम्परेचर पे ये स्टेबल होता है, और 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल होता है। अब सपोज इक्विलिब्रियम पे इसके 5 मोल गिवन है और इसके 10 मोल हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए क्या होगा? केसी की वैल्यू जो होगी, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन 10 है और इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन 5 है, तो ये हो जाएगा 2। तो हमारे केसी की वैल्यू यहां पे आई 2। अब सपोज हम इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, 5 से हमने ये 10 मोल कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? ये 20 मोल हो जाएगा। तो केसी की वैल्यू यहां पे कितनी होगी? 20/10=2। ये चेंज नहीं होगा। अगर हम इसको 50 कर दें तो ये कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। तो केसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 100/50, ये हो जाएगा। तो केसी की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है। ये वैल्यू चेंज कब होगी? जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तभी केसी की वैल्यू चेंज होगी, नहीं तो चेंज नहीं होगी। अब सपोज कि ये जो हमारा रिएक्टेंट है ये गैसियस फॉर्म में है, ये रिएक्टेंट भी गैस है, इसके प्रोडक्ट जो है वो भी गैस ही बने हुए हैं,
तो जब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट गैस हो और उससे बनने वाले प्रोडक्ट भी गैस हो, और सपोज यहां पे इनके मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो गिवन ना हो, क्या गिवन हो, हमको इनका पार्शियल प्रेशर जो है वो गिवन हो, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि केसी हम कब अप्लाई करते हैं, जब रिएक्टिंग स्पीसीज के मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो। तो अगर पार्शियल प्रेशर जो है गिवन है तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, वो केपी से जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो जाएगा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू पावर डी, पार्शियल प्रेशर ए टू पावर ए, पार्शियल प्रेशर बी टू पावर बी। अब सपोज कि ये जो हमारी गैस है ये इनर्ट है, तो फिर यहां पे इनर्ट गैस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये अप्लाई हो जाएगा, एन अपॉन वी ये करोगे तो पी अपॉन आर टी हो जाएगा, वॉल्यूम को इधर भेजो आर टी जो है इधर आ जाएगा, तो एन अपॉन वी इक्वल टू पी आर टी हो जाएगा। और ये हमारा क्या कहलाता है, एन अपॉन वी, यही तो हमारा कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन। मोल अपॉन वॉल्यूम ये हमारा क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है, ये होता है पी अपॉन आर टी के। तो बस मोलर कॉन्सेंट्रेशन तो यहां गिवन है, तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम क्या लिखते हैं, पी अपॉन आर टी जो है वो हमको लिखना है। तो लिख देते हैं के सी इक्वल टू पी सी आर टी टू पावर सी पी डी आर टी टू पावर डी पी ए आर टी टू पावर ए पी बी आर टी टू पावर पी। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर को अलग कर लेंगे और जो हमारा कांस्टेंट है आर टी उसको क्या करेंगे, अलग लिखेंगे। तो ये ऐसा लिखा जाएगा के सी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू पावर सी डॉट पार्शियल प्रेशर डी टू पावर डी पार्शियल प्रेशर ए टू पावर ए डॉट पार्शियल प्रेशर बी टू पावर बी। अब यहां पे हमें वन अपॉन आर टी, जब इसको आप कॉमन लिखोगे तो ये हो जाएगा सी प्लस टी, नीचे आएगा वन अपॉन आर टी तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब ये जो पार्ट बना हुआ है इसको तो हम केपी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो केसी इक्वल टू केपी, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, केपी लिखा जाएगा, वन अपॉन आर टी कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, सम ऑफ एक्सपोनेंट इन प्रोडक्ट सब्सट्रैक्ट सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट, तो केसी इक्वल टू केपी वन अपॉन आर टी, इसको हम डेल्टा एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये जो पार्ट है इसको आप डेल्टा एन से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये बनेगा हमारा केपी इक्वल टू केसी आर टी को आप इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा केसी आर टी डेल्टा एन। यहां पे डेल्टा एन क्या है, ये सम ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब सी प्लस टी है, माइनस सम ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हमारा डेल्टा एन हो गया। अगर डेल्टा एन जो है इसकी वैल्यू जीरो होती है तो फिर क्या हो जाएगा, के पी इक्वल टू के सी हो जाएगा, क्यों, इसकी पावर आप जीरो करोगे तो ये वन बन जाएगा, तो के पी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, के सी हो जाएगा। तो
तो ये रिलेशन है हमारा केपी एंड केसी में। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। अब केपी एंड केसी का रिलेशन हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और केपी जो है वो हम लिख चुके थे। आइडियल गैस इक्वेशन जो है पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये हमने क्यों अप्लाई किया? क्योंकि हमने ये मान लिया कि ये जो हमारी गैसें हैं ये आइडियल हैं। तो प्रेशर पी, वॉल्यूम को इधर भेज दो तो एन अपॉन वी आर टी हो जाएगा। एन अपॉन वी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो पी इक्वल टू हो जाएगा सी आर टी। तो बस ये जो पार्शियल प्रेशर गिवन है उसकी जगह हमें सी आर टी जो है वो लिखना है। तो के पी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर पी सी की जगह हमें क्या लिखना है? सी सी आर टी। और इस पे पावर कितना है? सी डॉट। यहां पे हम क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर पी डी की जगह सी डी आर टी पावर है टी। फिर हम क्या लिखेंगे? सी ए आर टी पावर ए, सी बी आर टी पावर। हम क्या करेंगे? मोलर कॉन्सेंट्रेशन को अलग करेंगे और आर टी को अलग करेंगे। तो के पी इक्वल टू सी सी पावर सी, सी डी पावर डी, सी ए पावर ए, सी बी पावर बी। ये हमने अलग कर लिया। आर टी जो है वो हमने यहाँ पे कॉमन लिखा आर टी। जब आप ये आर टी कॉमन लिखोगे तो ये पावर जो है वो ऐड हो जाती है, सी प्लस टी हो जाएगा अपॉन। ये आर टी कॉमन करोगे तो यहाँ पे ए प्लस बी पावर हो जाएगी। अब ये जो पार्ट है ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन स्पीसीज के गिवन है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? केसी लिखेंगे। तो केपी इक्वल टू हो जाएगा केसी आर टी। अब ये जो दो आर टी है इसको हमने कॉमन कर दिया तो क्या होगा? ये जो पावर है ये तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी तो ये ऐसा बनेगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो के पी इक्वल टू हो जाएगा के सी आर टी और इसकी जगह हम डेल्टा एन कर लेते हैं क्योंकि इतना सब कुछ लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी जगह हमने क्या कर लिया? डेल्टा एन कर लिया। तो ये हमारा के पी और के सी में रिलेशन हो गया जहाँ पे डेल्टा एन क्या इंडिकेट करता है? ये सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारा डेल्टा एन हो गया। अगर डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो जीरो है तो के पी इक्वल टू के सी जो है हो जाएगा। तो ये हमारा एक और रिलेशन है। तो अभी हमने के पी एंड के सी में रिलेशन देखा तो के पी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन ये रिलेशन होता है जहां पे डेल्टा एन जो है वो क्या था? सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, मतलब टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम कहते हैं कि डेल्टा एन जो है वो जीरो है तो कौन सी ऐसी रिएक्शन होगी जहां पे डेल्टा एन जीरो होगा? तो देखो जरा एच टू प्लस आई टू ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है टू एच आई बना। यहां पे प्रोडक्ट के मोल टू है और रिएक्टेंट के मोल भी टू है तो डेल्टा एन हमारा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन के लिए के पी इक्वल टू हो जाएगा के सी। क्यों? डेल्टा एन जीरो हो गया तो आर टी क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। किसी की भी पावर जीरो मतलब वन होता है तो के पी इक्वल टू हमारा के सी हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि डेल्टा एन हमारा जो है वो पॉजिटिव है तो देखते हैं
PCl5 इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो ये PCl3 बनेगा और Cl2 बनेगा। तो ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। तो याद रखना यहाँ पे जो हम मोल यूज करेंगे वो गैस के मोल होंगे, वो सॉलिड और लिक्विड के मोल नहीं होंगे, केवल गैस के मोल ही यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पे डेल्टा एन जो है ये कितना है, प्रोडक्ट के मोल 2 है, रिएक्टेंट के मोल 1 है, तो डेल्टा एन जो है वो +1 हो गया। तो अगर डेल्टा एन यहाँ पे +1 हो गया मतलब केपी जो है वो बड़ा हो गया केसी से, क्यों केसी की जो भी वैल्यू होगी उसमें डेल्टा एन पॉजिटिव, तो ये जो नंबर जो है मल्टीप्लाई होगा तो केपी की वैल्यू जो है केसी की वैल्यू से ज्यादा होनी ही है। अगर हम कहते हैं कि डेल्टा एन जो है वो नेगेटिव है तो एक रिएक्शन लिख लेते हैं, SO2 ये ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है तो क्या बना रहा है, SO3 बना रहा है। इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे डेल्टा एन, प्रोडक्ट के मोल 2 है और रिएक्टेंट के मोल कितने हो गए, टोटल 3 हो गए, तो ये आएगा -1, तो डेल्टा एन यहाँ पे हो गया -1। तो ऐसे केस में केपी जो है वो केसी से छोटा हो जाता है। तो ये हमारे केपी एंड केसी में रिलेशन हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।